Okay, so this is clubbing provision that we are going to learn. With love we call it clubbing provision. The legal name is income of other person included in assessor's total income. तो मैं आपको बोल क्या रहा हूँ अच्छे से सुनो. मैं फटाफट पढ़ाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है ना. नोट्स आप लोग बाद में आराम से घर पे बैठ के शाम को लिख, ठीक है ना. तो मुझे पढ़ाने दो पहले. मैंने पहले सोचा कि ग्रुप पे डाल दूं कि प्लीज राइट डाउन द नोट्स एंड देन आई विल कंडक्ट द लेक्चर, बट दैट विल गो इन अ रिवर्स मैनर. मतलब आप नोट्स लिखने के टाइम पे आपको समझेगा ही नहीं कि आप क्या लिख रहे हो और क्यों लिख रहे हो. तो द बेटर वे ऑफ राइटिंग नोट्स इज दिस, आई शुड टीच यू फर्स्ट एंड देन यू राइट द नोट्स. तो अभी नोट्स राइटिंग में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. वी विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो देखो कॉन्सेप्ट में हमें क्या कवर करना है. मैंने बोला इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन असेसिस टोटल इनकम, ऐसा देना है. हेडिंग देखिए, आपने ब्रैकेट में लिखना होना चाहिए. सेक्शन 60 टू 65 तक हमें जाना है. 59 तक हमने आईएफओएस में डिस्कस किया हुआ है. विजय माइक में आवाज आ रहा है आजू-बाजू. 62 विजय तेरा माइक बंद कर दे, ठीक है ना. 60 टू 65 विजय सुन ही नहीं रहा है शायद. विजय ना लॉग इन करके भाग गया किधर. ये ऐसे पागल लोग होते दुनिया में, ठीक है. मैंने सबको म्यूट कर दिया. हाँ देखो, सेक्शन 60 टू 65 पढ़ना है. आईएफओएस तक हमारा सेक्शन 59 हो चुका है, या आईएफओएस की आगे की बात हो रही है. लेकिन आपको बातें समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि आफ्टरनून में जो हमने सेशन लिया था उसमें हिक्का और लिक्का हमने बहुत बार पढ़ लिया कि टैक्स की चोरी करने के लिए हमेशा हिक्का लिक्का को यूज करता है. मुझे एक बात बताओ, हिक्का हिक्का पॉसिबल है क्या? एक हिक्का दूसरा हिक्का के साथ टैक्स का इवेजन कर रहा है, पॉसिबल है? नो, नहीं कर सकते. नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे भी 30% पे टैक्स होगा, वहां पे भी 30% पे टैक्स होगा. अगर आप भी प्रोफेशनल हो, आपकी वाइफ भी प्रोफेशनल है, या आप प्रोफेशनल, आपका हस्बैंड भी प्रोफेशनल है, एंड बोथ आर अर्निंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी. दोनों 10-10 लाख के ऊपर कमा रहे हैं, ठीक है ना. तो आप अपने वाइफ के नाम पे इनकम, स्पाउस के नाम पे इनकम ट्रांसफर करके टैक्स सेविंग तो कर नहीं सकते, ठीक है ना. क्या दो लिखा टैक्स इवेजन कर सकते हैं? लिखा बोलो, क्या एक लिखा दूसरे लिखा के नाम के ऊपर इनकम ट्रांसफर करके टैक्स का इवेजन कर सकता है? टेल मी. नहीं कर सकता ना, इक्का नहीं कर सकता तो लिखा क्यों? वैसा इसका लॉजिक है. नहीं, इनकम भी कम है, उनका क्या टैक्स इवेजन करें? अरे गरीब लोग कब से करने लगे टैक्स इवेजन? हाँ, एक गरीब दूसरे गरीब को बोलता है चलो मिलके टैक्स इवेजन करेंगे. अरे सालों, टैक्स इवेजन करने के लिए इनकम भी तो होना चाहिए. हाँ बोलो. हाँ यार, ये तो सोचा ही नहीं हम लोगों ने. क्या एक लिक्का अपना इनकम हिक्का के नाम पे ट्रांसफर कर सकता है टैक्स इवेजन के लिए? क्या ये पॉसिबल है? लिक्का ट्रांसफर कर रहा है अपना इनकम हिक्का के नाम पे, इज इट पॉसिबल? बोलो. नहीं, क्यों? गरीब अमीर के नाम पे थोड़ी ना क्या इनकम ट्रांसफर करता है. तो यहाँ पे जो चार पॉसिबिलिटीज है उसमें का एक ही पॉसिबिलिटी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है. कौन सा? हिक्का अपना ट्रांसफर करेगा लिक्का को, वो लिक्का के नाम पे ट्रांसफर करेगा. तालिया तालिया. देखो आप लोगों को समझ में आना चालू हो गया है लॉ, ठीक है ना. जैसे जैसे टैक्स इवेजन समझते जाओगे, ग्रेजुअली यू विल आल्सो अंडरस्टैंड एंटी टैक्स इवेजन. जिस चैप्टर में हम इंटर कर रहे हैं वो पूरा का पूरा चैप्टर एंटी टैक्स इवेजन है. पूरा चैप्टर एंटी टैक्स इवेजन है. मैंने क्या बोला, समझा? ओके चलो आपको एक स्टोरी बता देता हूँ, छोटा सा हल्का सा स्टोरी. ये बात है राजस्थान की, ठीक है ना. ये बात है राजस्थान की. राजस्थान का हमारा एक आर्टिकल है हमारे साथ, जिनका नाम है मेवाड़ा जी, ठीक है ना, दिलीप मेवाड़ा. ये राजस्थान की बात है, ये ऐसे स्मार्ट दिखता है, ठीक है ना. और इसका इनकम 2.5 लाख हो गया राजस्थान. मैंने जानबूझ के बोला क्यों, क्योंकि राजस्थान में टैक्स इवेजन का ओरिजिन है, बिजनेस क्लास वहीं से बिलोंग करता है, ठीक है ना. पूजा को पूछो, जिगरा लगता है टैक्स की चोरी करने के लिए ना. पूजा, पूजा है क्या? पूजा
कोरोना के पास गया वो। अरे पूजा कोरोना कैसे था? कुछ नहीं सर, फालतू टेस्टिंग था, फुकड़ का नाटक, टाइम वेस्ट। मैंने बोला था ना तेरे को। अरे भाई हमको सब पता है, हमको पता है वो लोग क्या टेस्टिंग करेंगे, उनके कैपेसिटी के बाहर रह रहे। वही तो, आपको अपना फर्ज निभाने का, करने का, बस दूसरों की गालियां नहीं सुननी। मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम्हारा बिजनेस है, दुकान विकान है, तो मैं पूछ रहा था कि जिगरा लगता है कि नहीं टैक्स की चोरी करने के लिए? सवाल ही नहीं, अभी लॉकडाउन में कमाया तो है। तो बात वही तो बात बता रहा हूँ, तो ये जिगरा जो है ना, ये सबके पास नहीं होता। कुछ कुछ लोग ना खाली घर बैठे ना सोचते रहते हैं कि बिजनेस करेंगे, पैसे कमाएंगे, टैक्स की चोरी करेंगे। अरे जो रोज धंधे में है ना, रोज बिजनेस में है, हर दिन वो टैक्स की चोरी करता है, हर दिन वो करता है, ठीक है ना? क्योंकि जितना कैश कमाते हैं वो तो दिखाते हैं नहीं, कैश का इनकम ऐसे ही कैश वाला, तो ब्लैक मनी हो गया। तो मैं बता रहा हूँ इन भाई साहब का, इसलिए मैंने राजस्थान और गुजरात बोला क्योंकि ये दो जो स्टेट्स है ना, वहां पे बड़े जिगरे वाले लोग पैदा होते हैं जो टैक्स के साथ खेलते हैं। तो राजस्थान के कोई मेवाड़ा जी है, ठीक है ना, इनका इनकम 2.5 लाख हुआ, बताओ ये टैक्स कितना भरेंगे? रेसिडेंट है, नॉर्मल इंडिविजुअल है, यंग है, अभी 20-22 साल के हैं, बोलो कितना टैक्स भरेंगे? कुछ भी नहीं भरेंगे। हाँ बरोबर बरोबर, कुछ भी नहीं, बरोबर, एकदम परफेक्ट, बेसिक एग्जम्पशन है ना उतना। अभी इनका ऑफिशियल इनकम हो गया 5 लाख रुपया, मतलब 2.5 लाख से बढ़ गया, अब कितना टैक्स भरेंगे? टोटल 5 लाख हो गया, बोलो। इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं मैं, प्योर इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, वो सेस वगैरह बाकी सब ऐड मत करो, इनकम टैक्स बताओ खाली, बस टोटल इनकम 5 लाख। 12,500 इग्नोरिंग रिबेट, बरोबर ना, रिबेट को इग्नोर करना पड़ेगा। yes. हाँ, ऐसा तुम लोगों को लग रहा है क्योंकि तुम लोग राजस्थान से नहीं हो। जो लोग राजस्थान से है ना, वो लोग क्या बोलते हैं पता है? जीरो। जो लोग राजस्थान से, वो लोग क्या बोलेंगे? जीरो। कैसे जीरो? ये जो दिलीप मेवाड़ा जी है वो करेंगे शादी। शादी इतनी कम उम्र में सर? हाँ, क्योंकि शादी करने का पर्पज है, शादी करने का पर्पज ही है टैक्स इवेजन। अब ये दो टाइप के बिल बुक बनाएंगे, एक हस्बैंड के नाम पे और एक वाइफ के नाम पे। तुमको समझ रहा है? एक हस्बैंड के नाम पे, तुम्हारे घर में भी पूजा को पूछो, एक मम्मी के नाम पे बैंक अकाउंट होगा, एक पापा के नाम पे। पूजा के नाम पे भी हो सकता है, लेकिन पता नहीं बाप का इतना भरोसा है कि नहीं है। नहीं मेरे पे नहीं है, मम्मा और डैडी पे ही है। देखा, मैंने बोला ना भरोसा नहीं होगा। किसी पे भी भरोसा नहीं रखते। हाँ बरोबर है। नहीं नहीं, उनके तुम्हारे डैडी को मेरा प्रणाम बोलो, बोलो बहुत सही काम कर रहे हो आप। ठीक है, अब आगे चल रहा हूं मैं। अब बताओ इनका इनकम 2.5 लाख से और बढ़ गया, 7.5 लाख हो गया। अगर महाराष्ट्र वगैरह में गरीब लोग होते, मराठी लोग वगैरह होते, तो 7.5 लाख पे टैक्स कंप्यूट करना चालू कर देते। लेकिन मेवाड़ा जी टैक्स भरेंगे क्या 7.5 लाख पे? नो। बताओ क्या करेंगे, कैसे बचाएंगे? बच्चों के नाम पे रखेंगे और क्या। हाँ, मेवाड़ा जी करेंगे इंटू इंटू और निकालेंगे चिंटू। ये आ गया चिंटू, टा 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 टा। चिंटू अभी 6 महीने का है और 6 महीने के चिंटू का बैंक अकाउंट है, पैन कार्ड है, ठीक है ना, उसके नाम पे बिजनेस रजिस्टर किया है और उसके नाम पे इन्होंने पैसे लिए हैं। चिंटू भी एक असीसी है, तो 2.5 लाख उसके नाम पे हो गया। चलो मेवाड़ा का इनकम बना देते हैं, 2.5 लाख से और बढ़ गया। अब बताओ अब क्या करेंगे मेवाड़ा जी? बेटी। सही जवाब, कितने स्मार्ट हो तुम। अब आएगी चिंटी, वेरी गुड। अब मेवाड़ा जी का इनकम जो है वो और 2.5 लाख हो गया। अब बताओ, और ये हर एक साल में बढ़ रहा है, ईयरली बढ़ रहा है, ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, हर साल 2.5 लाख का इनकम बढ़ रहा है। बताओ क्या करेंगे मेवाड़ा जी? एक साल का गैप मिला उनको, चालू करेंगे क्या? बताओ तो, तुम गेस तो करो, क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं टैक्स बचाने के लिए? स्टोरी में ही आंसर छुपा है, पहले चोरी समझो फिर आंटी चोरी। दूसरी शादी करेंगे। दूसरी शादी? मेवाड़ा जी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते, देख नहीं रहे हो क्या कितना प्यार करते हैं?
पेरेंट्स के नाम पे करेगी? नहीं, पेरेंट्स के नाम पे नहीं कर सकते ताई, क्यों बता? मेवाड़ा जी को टैक्स इवेजन पप्पा ने सिखाया है। जब पप्पा ने सिखाया है मतलब पप्पा ने मम्मी का अकाउंट यूज किया होगा, पप्पा भी बिजनेस में है। जब तुम लोग बचपन में पोगो पोगो देखते थे, वो कार्टून नेटवर्क देखते थे, मेवाड़ा जी टैक्स इवेजन सीखते थे पप्पा से। बताओ, मम्मी पापा के नाम पे नहीं कर सकते क्योंकि पापा का खुद का बिजनेस है, मम्मी का जो अकाउंट होता है वो पापा ने यूज कर लिया है। और बताओ, और कौन होता है घर में, बोलो? भाई और बहन को पैदा किसने किया? माँ पापा ने। बहन ग्रैनी होगा ना, तो उनका बेसिक एग्जम्पशन कौन यूज करेगा? बोलो। वाइफ के मॉम डैड। वाइफ के मॉम डैड। पहले तू मुझे बता, तेरा अपने वाइफ के ऊपर इतना भरोसा होगा कि तू उसके अकाउंट में पैसे रखेगा? और उसके अकाउंट में पैसे रखना छोड़, तू साले फादर इन लॉ मदर इन लॉ। अभी तो आप बोले इतना प्यार करता है तो रख सकता है ना, इसलिए तो बोला मैंने। इतना प्यार, वो भी मदर इन लॉ फादर इन लॉ से? तो फिर और ही बच्चा रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, लड़कियों देख लो, विजय से शादी कर लो, बहुत फायदे में रहेंगे तुम्हारे माँ बाप। मतलब तुम्हारे अकाउंट में जो पैसे आएंगे आएंगे, तुम्हारे मम्मी पापा के अकाउंट में भी डिपॉजिट करने वाला है। और क्या चाहिए, कहाँ मिलता है ऐसा दामाद? उर्मिला ले ले, तेरे को उर्मिला तेरे को ले ले। भाई बहन का अकाउंट नहीं यूज हो सकता क्योंकि मम्मी पापा उसको यूज कर रहे होंगे, और भाई अगर बड़े होंगे तो उनका खुद का अपना बिजनेस चालू हो जाता है। बड़े बड़े यंग एज में ये लोग बिजनेस करना चालू कर देते हैं। और बहन की तो शादी भी हो गई है कि तो उसका हस्बैंड यूज करेगा। मैं तुमको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ घर में, तुम दिमाग यूज करो अपना। क्या करोगे, भाई बहन को यूज नहीं कर सकते? डॉगी, डॉगी, इतने गिर गए हो तुम लोग घर में कुत्ता रखोगे टैक्स इवेजन करने के लिए? अरे अरे, उसका बैंक अकाउंट कैसे खोलोगे? उसका पैन कार्ड कैसे निकालोगे? आधार कार्ड कैसे निकालोगे? जैसे एंटरटेनमेंट में निकाला था। अरे एंटरटेनमेंट में तो उसके मालिक को फॉलो करना होता है, जस्टिफाई भी तो करना पड़ेगा ना बाबा कि कुत्ते ने काम किया। तुम क्या बोलोगे, तुम्हारे घर में कुत्ते ने क्या काम कर लिया ऐसा? एंटरटेनमेंट का कुत्ता तो फेमस है, इनकम टैक्स ऑफिसर को समझाना बड़ी बात नहीं होगी। घर गान करता था तो उसके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए, तो तब से नहीं कर रहा है। क्या बाबा, और बताओ, एक ही रास्ता है इनके पास टैक्स की चोरी करने का, और एक बार हनीमून पे जाया जाए और एक और चिंटू आए। मैंने बोला था। नहीं नहीं, मैंने तेरी बात मान ली थी, लेकिन मैं बोला बाकी लोगों की भी मान लो ना, तेरी अकेले की सुनूंगा तो ऐसे नहीं लगेगा सारी फीस तूने ही भर दी है। कुछ भी। ओके ठीक है, होता है ऐसा कभी कभी। बताओ, और इनकम 2.5 लाख से बड़ा क्या करेंगे? टैक्स नहीं भरना है, मर जाएगा वो। कौन हो? वाइफ मर जाएगी, वो कैसे मरे? अरे तुमने दोनों के प्यार को समझा ही क्या है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं। और एक बेबी आ गया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 2.5 लाख से बढ़ गया, अब क्या करेंगे? क्रिकेट टीम को बोला अभी टीम ही निकाला। हाँ वही मैंने बोला ना, टीम ही निकाल देते। चलो मैंने डायरेक्टली ना, मैं तुम्हारा काम कम कर देता हूँ। मैंने बोला कि उन्होंने 12 बच्चे पैदा किए, एक डजन बच्चे पैदा किए, बताओ कितना टैक्स इवेजन कर सकते हैं? क्या कितने से मल्टीप्लाई करूं, बोलो जल्दी बोलो। घर में कितने असेसी हो गए, 12 बच्चे हो गए तो कितने असेसी हो गए टैक्स इवेजन करने के लिए? कितना नंबर ऑफ असेसी बोलो, मैं 2.5 लाख से मल्टीप्लाई कर लूंगा। कितने असेसी हो गए घर में? वो 12 बच्चे और उसका वाइफ। अरे तो टोटल असेसी कितने हुए घर में? 13 14 14। अरे जो बच्चे पैदा कर रहा है उसको बाहर निकाल देते हैं। 15 होते हैं, 15। आंखें खोलो देखो ठीक से, 15 लोग हैं यहाँ पे, 15। कहाँ 15? अभी क्या उसके पेट में? नहीं रे बाबा। अरे
अपने जो स्टेट में अगर होगा भी तो उसको एक्सक्लूड करो यार, उसके नाम पे इनकम बुक करना चालू कर दोगे तो तुम महान नहीं हो जाओगे। 15 लोग है, ये 14 लोग इंडिविजुअल और ये 14 मिलके एक HUF। भाई राजस्थान में जाओ तुमको बहुत सारी चीजें मिलेगी, ये तो कुछ भी नहीं है। तुमको लग रहा है कि मेवाड़ी जी के पास कॉन्डम नाम की चीज नहीं है, तुम्हें लग रहा है उनको फैमिली प्लानिंग करने नहीं आ रहा है, वो फैमिली प्लानिंग में माहिर है, माहिर, ठीक है ना। उन्होंने टैक्स प्लानिंग कर ली सक्सेसफुली, कितने लाख की बता देता हूँ, 2.5 लाख × 15, 37.5 लाख के ऊपर मेवाड़ा जी हंसते हंसते टैक्स नहीं भरेंगे। और मैं बाकी तो एग्जम्पशंस वगैरह कंसीडर ही नहीं करा, रिबेट, ATC, अगर वो सब कंसीडर करो ना, करोड़ के आसपास का टैक्स इवेड किया जा सकता है इतनी फैमिली यूज करके। मजेदार। अच्छा एक बात बताओ, इवेजन का यही इस्तेमाल करते हैं। हाँ 37.5 लाख तो अभी ऐसे मजाक मजाक में हो गया है, मुझे बताओ और अगर 2.5 लाख से इनकम बढ़ेगा तो क्या करेंगे मेवाड़ा जी, जल्दी बोलो। अब तुमको दिमाग लगाने आ जाना चाहिए, मैंने इतना आइडिया दे दिया ना अभी तुम लोगों को, और 2.5 लाख से इनकम बढ़ गया अब क्या करेंगे। रूल नंबर 1, टैक्स नहीं भरना है, क्या करेंगे जल्दी बोलो। रूल नंबर टू बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। बाबा अगर अभी वाइफ को बोलेगा ना 12 बच्चे होने के बाद अगर अभी वाइफ को जाके बोलेगा ना कि 13वां पैदा करते, वाइफ ऐसे मारेगी ना सालो, बोलेगी वो क्या था, वो 12 बच्चे किसके समझ में नहीं आ रहे, परसों मैंने 2 जन को नहलाया, नहलाने के बाद पता चला हमारे नहीं थे वो। दो तीन तो पता नहीं चल रहा है घर पे, मतलब 12 है, 13-14 हो जाते हैं, कभी कभी समझ में नहीं आता आजू बाजू वाले, क्योंकि आजू बाजू वाले सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं ना। सिद्धेश ने दिमाग लगाया हुआ है, देखो सिद्धेश जो है ना स्मार्ट बच्चा है, बोलता है पहले की शादी कराओ। बताओ जो पहले आया था ये चिंटू, ये अभी कितने साल का हो गया होगा अप्रोक्सीमेटली? 25 का, कैसे रे? 25 तो नहीं होगा यार, हर साल एक नया बच्चा पैदा किया तुमने, अभी 12 बच्चे हो गए, 14-15 के बीच में रहना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। तो 14-15 ईयर का बच्चा है वो, अभी कॉलेज भी ले जा रहा है, समझ रहा है ना, टीन एज चालू हो चुका है, ठीक है, वो पंख फूटना, सिंग आना, जो जो तुम बोलते हो सब आ गया उसको, ठीक है ना। उसको पप्पा बुला रहे, बेटा इधर आ, तेरे मैंने मोबाइल चेक किया, मोबाइल में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें है तेरी। तो बोलता है पप्पा वो तो सब करते हैं, मैंने भी कर लिया, ठीक है ना। तो बच्चा ने पापा को पता चला बच्चा बड़ा हो चुका है, उन्होंने बोला बेटा शादी करेगा? उसने बोला पापा शादी थोड़ी ना क्या करूंगा, अभी शादी तो इतनी जल्दी नहीं होती ना। तो पापा ने बोला नहीं करनी तो पड़ेगी शादी, शादी तो करवाएंगे तेरी अभी, और उसी लड़की से करवाएंगे जिससे हमारा पट्टा है, तो उसको एक लड़की दिखाएंगे उससे शादी करेंगे। ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं, शादी करने के बाद उनको कुछ साल तक अलग अलग रखा जाता है, कितने साल तक अलग रखा जाता है, जब तक बड़े नहीं होंगे तब तक मेवाड़ा जी बता रहे कि अलग अलग रखा जाएगा, ठीक है ना। जब तक वो मैच्योर्ड नहीं हो जाते शादी करवा देते, लेकिन अलग अलग रखते हैं, तो शादी क्यों करवाई इतने कम एज में। और आप वो सब बात ही मत करो ना, चाइल्ड मैरिज वगैरह होता नहीं वगैरह, वो सब मुंबई में नहीं होता, गाँव में अभी भी हो रहा है चाइल्ड मैरिज वगैरह, गाँव में हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को मिल जाएगी ना, वाइफ नहीं रे बाबा, मेवाड़ा जी के एंगल से बात करो, अपना मेन असिसी जो मेवाड़ा जी है उसको कौन मिलेगा, ये बहू, बहू 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 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बहू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डॉटर इन क्राइम, वेरी गुड, डॉटर इन क्राइम, डॉटर इन क्राइम है ना, टैक्स चोरी है, तो पहली की शादी करवा देंगे, ठीक है ना, इसकी शादी करवा देंगे तो बहू आएगी। तो तुमने क्या सीखा यहाँ पे, व्हाट डिड यू लर्न, कि टैक्स इवेजन करने के लिए, मतलब इनकम ट्रांसफर करके एक से दूसरे के नाम पे इनकम ट्रांसफर करके टैक्स इवेजन करने में किसको किसको ऐसे से यूज कर सकता है, पहला बोलो, वाइफ को, स्पाउस को, वाइफ को नहीं, कभी कभी किसी किसी स्पाउस का हस्बैंड लुक्खा होता है, हस्बैंड घर में बैठा है और वाइफ बाहर जाके पैसे कमाती है, तो हस्बैंड के नाम पे भी इनकम ट्रांसफर हो सकता है, तो स्पाउस के नाम पे। दूसरा बच्चों के नाम पर,
कौन से बच्चे, कौन से बच्चे, वो इम्पोर्टेंट है. खुद के, अरे बाबा खुद के ही करोगे ना यार, खुद के कौन से टाइप के बच्चे, टाइप पूछ रहा हूँ, ये कौन से बच्चे है, माइनर, बिल्कुल वो इम्पोर्टेंट है, माइनर बच्चे, माइनर चिल्ड्रन, ठीक है ना. अब आप समझो पांडा के नाम पे पप्पा क्यों नहीं पैसे ट्रांसफर कर रहे, क्योंकि पप्पा को पता है पांडा के पास अपना दिमाग है, वो पैसे खर्चे कर सकती है. लेकिन माइनर जो बच्चे होते हैं 12 साल के, 8 साल के, 7 साल के, उनको पप्पा एक कान के नीचे खींच के रख देंगे, तो जहां बोलेंगे पप्पा वहां साइन कर देंगे. पांडा नहीं करेगी अभी साइन हर जगह पे. तो माइनर बच्चे. और तीसरा बोलो क्या ऐसे कर रहे हो, मैंने सब टैक्स की चोरी पढ़ा दी तुम लोगों को फ्री में. माइनर की वाइफ, ये बाबा माइनर की वाइफ नहीं रे बाबा, वाइफ तो बाद में आएगी, बहू बाद में आएगी, बहू के पहले बेटे का बच्चा. अरे बहू नहीं आई है तो बेटे का बच्चा कैसे आएगा रे. एचयूएस बोलो ना यार, क्या ये लोग रे, इधर लिखा हुआ भी है सामने, ये लोग अभी भी हनीमून पे ही है, घर पे ऑफिस से टैक्स चोरी कर रहे है. तुम लोग बच्चे बिच्चे पैदा, और वो बेचारा जब उसके बच्चे पैदा करेगा तो उसका इनकम चालू हो गया ना, अभी वो बड़ा हो चुका है, वो खुद के लिए करेगा टैक्स इवेजन. तो डॉटर इन लॉ इन चार लोगों के लिए क्लबिंग चैप्टर बना है. हाँ क्या बताऊं आप लोगों को, अभी जिंदगी में क्या मैं आप लोगों को एक लाइफ स्टोरी बता दूं. हाँ बता दो. हंसोगे नहीं मेरे पे? नहीं वैसे भी तो क्या कभी हंसे क्या आप पे हम लोग? कभी दिखाया है क्या आपने? मेरे सच में अभी जो सच है वो मैं बोली. हाँ अभी जो सच है वो बोली. अच्छा सच है वो बोली. सुनो मैं तुमको स्टोरी बता रहा हूँ, आज उस स्टोरी का नाम है टैन थीटा. थीटा बना नहीं पाता मैं, लेकिन समझो टैन थीटा है यहाँ पे. इस स्टोरी का नाम है टैन थीटा. बताना नहीं चाहिए वैसे तो. वो ज्योमेट्री का साइन थीटा टैन थीटा. हाँ ज्योमेट्री टेक्स्ट ज्योमेट्री से. मैंने कभी बताया क्या टैन थीटा के बारे में बैच पे? नहीं ये चैप्टर ही का हुआ है, ये चैप्टर पे स्टोरी आने के लिए. आज बता देता हूँ. चलो ठीक है ना, आज बता देता हूँ तुम लोगों को. देखो कुछ समझ पाते हो क्या, सीख पाते हो क्या इससे. As I told you, I was there in लालबाग परड only. मेरा पूरा childhood वहाँ पे ही गया हुआ है. नाम जोशी मार्ग, शाला नंबर 2, दिलाय रोड. ओके, तो मैं उस स्कूल में था. And my father was a gangster. Mom is illiterate person. तो बैकग्राउंड आपको पता चल गया. अभी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, तुम लोग इजिली कोरिलेट कर लोगे क्योंकि सेम एरिया से बिलोंग करते हो. तो ऐसे एम्बिशंस, एजुकेशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, करियर, सपने, ये सारे वर्ड्स हमारे घर में एग्जिस्ट नहीं करते थे. वो एमसी, बीसी, चू, ये वो सब हमको बचपन से सिखाया गया. वो हमारा एबीसीडी था, ठीक है ना, मारामारी, गुंडागिरी, ये सब था. तो पढ़ाई बिड़ाई तो कभी करते नहीं थे हम लोग. तो फिफ्थ स्टैंडर्ड से लेके नाइन्थ स्टैंडर्ड तक, फिफ्थ स्टैंडर्ड से लेके नाइन्थ स्टैंडर्ड तक मेरा जो रिजल्ट रहा है कंसिस्टेंटली, फिफ्थ स्टैंडर्ड से नाइन्थ स्टैंडर्ड तक का कंसिस्टेंट रिजल्ट है वर्चा वर्गात घातला. इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पांडा को नहीं समझेगा. वर्चा वर्गात मार्क्स देके पास किया, प्रमोट किया. प्रमोट, तीन रिजल्ट होते, पास, फेल और प्रमोटेड. तो फिफ्थ स्टैंडर्ड से लेके नाइन्थ स्टैंडर्ड तक के मेरे जो रिजल्ट है ना वो प्रमोटेड है. एक्सेप्शन इज सेवन स्टैंडर्ड. सेवन स्टैंडर्ड में मेरे दो रिजल्ट है जहां पे मैं फेल हुआ हूं. टू टाइम्स सेवन स्टैंडर्ड फेल. समझ रहे हैं आपको मैं क्या बोल रहा हूं? दो बार, एक बार नहीं, दो बार. हाँ ये 10 मिनट में खत्म करने का ट्राई करता हूं. दो बार मैंने क्या किया, फेल हुआ हूं सेवन स्टैंडर्ड में. अब उससे हुआ क्या, उससे ऐसा हुआ कि जब मैं फर्स्ट टाइम सेवन स्टैंडर्ड में था तो मेरा बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई वो 8 स्टैंडर्ड में था. फिर मैं जब 7 स्टैंडर्ड में था तो मेरा बड़ा भाई गया. हां बताया ये बताया ना. चलो तो मैं इसको स्किप कर देता हूं.
इससे क्या होगा, पूरा स्कूल में ना हमारा नाम था कि हम गुंडे हैं और मारा मारी में माहिर। जैसे ही हम मारा मारी में माहिर थे, हमको कोई ना ज्यादा टीचर लोग ना ज्यादा सताते नहीं थे। तो मैं नाइन्थ स्टैंडर्ड तो प्रमोट हो गया। अब प्रमोट में दो सब्जेक्ट में होता था, एक था मैथ्स और दूसरा था इंग्लिश। ये दो तो अपने को कभी आए नहीं। तो आपको ऐसा लग रहा होगा शायद कि बाकी चार सब्जेक्ट में मैं टैलेंटेड था, तो ऐसा नहीं, बाकी चार सब्जेक्ट में मैं कॉपी करता था। तालिया, ठीक है ना? बाकी चार सब्जेक्ट में कॉपी होती थी, चीटिंग की कर जाती थी। मैथ्स और इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होते थे वो बुक के बाहर के आते थे, तो समझ में नहीं आता था उसमें लिखना क्या है। तो कैसे लिखेंगे, आगे पीछे वाले लिख के दे देते थे। तो नाइन्थ तक कभी पढ़ाई नहीं किया। तो मेरा ड्रीम देखो नाइन्थ स्टैंडर्ड में क्या था, मैंने मेरे घर वालों को बता दिया कि मैं इसके आगे पढ़ूंगा नहीं, मुझे पता है मुझे क्या करना है। क्योंकि टेंथ में बोर्ड होता है ना, वो स्कूल वालों ने मुझको डरा दिया था कि नाइन्थ तक तो हमने तुझको पास किया, ये किया वो किया, यहाँ का गुंडा बन गया है तू, शाना बन गया है, टेंथ स्टैंडर्ड में देख अभी तेरी क्या हालत होगी, ऐसा वैसा मुझे डरा ही दिया था। और उन्होंने बोला था टेंथ स्टैंडर्ड बोर्ड के बाहर पुलिस वगैरह होती है, तो तू चीटिंग भी नहीं कर सकता, आगे पीछे कौन आएगा पता नहीं होगा, क्योंकि पूरे मुंबई के बच्चे होते हैं। तो ऐसा सब कुछ बता दिया, मैंने डिक्लेयर कर दिया मेरा रिजल्ट, अपन तो पक्का फेल है, 100% फेल है। जब फेल ही होना है तो देना ही क्यों है, ठीक है ना? तो मैंने एग्जाम नहीं देने का डिसाइड किया और मैंने होटल में जॉब पकड़ ली, एक वेटर की, वेटर नहीं और टेबल बीबल पोछने वाले की। मैंने बोला यही करेगा मैं, यहाँ पे खाना पीना भी देते हैं और काम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है और टिप भी देते थे क्योंकि मैं क्यूट था। नहीं, वो बताना जरूरी है। तो फिर मेरे भाई ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, 10th स्टैंडर्ड तो देना पड़ेगा, आई एम ओके इवन इफ यू फेल इन 10th स्टैंडर्ड, लेकिन 9th प्रमोटेड होके क्या फायदा ना, 10th स्टैंडर्ड जाओ फेल होगा तभी भी चलेगा, 10वीं का ही एक ही साल है, एक ही साल पढ़ना है और देख लो होता है तो ट्राई करो। और फिर मेरा भाई मुझे लेकर गया एक उसके फ्रेंड के पास जिसका नाम है चेतन लोके, अगर तुम लोगों ने सुना होगा तो। हाँ सर, सुना है ना चेतन लोके का नाम, ठीक है ना? ये अपने आप में हिटलर है, ठीक है, अच्छे भी है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी। तो मैं जो स्टोरी बता रहा हूँ चेतन लोके सर की बता रहा हूँ। जब मैं पहुंचा था इस स्टैंडर्ड में, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में, तो उन्होंने वो कहीं किसी क्लास में स्टाफ थे और उन्होंने अपना नया क्लास खोला था और इनके पास ज्यादा बच्चे नहीं थे, 12-15 ही बच्चे थे, उनमें का मैं एक। और सबसे कम फीस पूरे उस रोड पे उस एरिया में, सबसे पहला क्लास ना, पहला ईयर, तो सबसे कम फीस, और हमारे पास बेंच भी नहीं थे, हम जमीन पे बैठते थे, ठीक है ना, लेक्चर के लिए। तो चेतन लोके सर थे वहां पे, यंग थे बहुत, और दादा के फ्रेंड थे मेरे। तो उन्होंने उनको बता दिया, वो और एक गणेश दादा करके मेरे भाई का फ्रेंड है, दोनों मुझको लेकर गए थे वहां पे, कि राम अगर मर भी गया तभी भी चलेगा, इसको कितना भी मारो तुमको कोई कुछ बोलने नहीं आएगा, क्योंकि मैं गुंडा था ना तो सर को थोड़ा प्रोटेक्शन देना पड़ता है, तुमको कोई कुछ बोलने नहीं आएगा, ये मरेगा तभी भी चलेगा, लेकिन ये 10th पास होना चाहिए, ऐसा इन्होंने इनको बोल दिया। अब पता नहीं चेतन सर ने ना इसको ज्यादा सीरियसली ले लिया, और डे वन पे उन्होंने हमें मैथ्स सिखाना, ही इज टू टीच मैथ्स एंड अकाउंट्स, लेकिन अकाउंट्स 11th-12th में, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स और हिस्ट्री पढ़ाते थे। तो डे वन मेरा मैथ्स का लेक्चर, वो कुछ तो साइमल्टेनियस इक्वेशन वगैरह पढ़ा रहे थे, पूरा इक्वेशन सर ने सॉल्व किया और बोर्ड पे आया ऐसा कुछ नंबर, x-5=3, ऐसा नंबर पकड़ लो, अभी एग्जैक्टली कौन सा नंबर आया था मुझे नहीं पता। सर ने मुझे बोर्ड पे बुलाया और बोला इसको सॉल्व कर, क्या तुम अगर 10th स्टैंडर्ड में होते तो इसे सॉल्व कर पाते? Yes. कर लेते ना, मैं नहीं कर पाया, मैं इसको x-5=3 को सॉल्व नहीं कर पाया। और सर को मेरा भाई बता के ही गया था कि इसको मारो, सर ने सीरियसली ले लिया, सर कुर्सी लेके बैठ गए और मारना चालू किया, और मुझे बहुत बार बोलते रहे एक्स को, मतलब वो मराठी में पढ़ाते थे, एक्स ला एकटा ठेव, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं एक्स को अकेला रखूं कैसे, मतलब यहां से उठा के कहीं अलग जगह पे रखे रखूं क्या मतलब एक्स को अकेला रखते कैसे है, नहीं समझा। तो उन्होंने मुझे बोला, मारते मारना चालू है समझो साइड बाय साइड, उन्होंने बोला कि -5 है ना राजा, उस साइड लेके जा इक्वल टू के। तो मैंने बोला ठीक है ना, इतना छोटा तो इतना टाइम से क्यों मार रहे थे मुझे, x=3-5, लो x अकेला हो गया, बोलो +5, कैसे +5, ताई बोलो, उर्मिला ताई बोलो, साइन चेंज होगा ना, साइन चेंज होता है क्या? ओके, मुझे 10th स्टैंडर्ड में नहीं पता था कि साइन चेंज होता है, मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ आपको, मैं नाम लेके बता रहा हूँ, ठीक है ना,
मुझे 10th स्टैंडर्ड में नहीं पता था साइन चेंज होता है, तो उन्होंने मारा मुझे और मुझे बोला कि बेटा यहाँ से वहां जब जाता है तो साइन चेंज होता है। तो मैंने बोला ठीक है, इसको प्लस 5 लिखा और फिर आंसर लिख के मैं आके बैठ गया। फिर उन्होंने दूसरा साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। उसमें क्या हुआ ना, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे x माइनस 5 था। अब बोला अब क्या करेगा, मतलब नंबर अलग थे लेकिन मैं वही रख रहा हूं, ठीक है ना। अब बताओ अब क्या करोगे, बोलो। या साइडला होता तो त्या साइडला घेऊन गेलो। तो मैंने क्या सोचा, मायनस 5 है ना, मैं इकडे घेतलं की प्लस 5 होणार। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, मेरा तो ऐसा चल रहा है कि मुझे x को अकेला रखना है ना, तो मैंने सोचा, मुझे लगा कि चीजें खाली इस साइड से इस साइड जाती है, तो मैंने सोचा आइला ये 3 अगर उस साइड चला गया तो इस साइड तो कुछ बचेगा ही नहीं और x तो अकेला होगा ही नहीं क्योंकि x के साथ तो ऑलरेडी माइनस 5 है ना सेम सिस्टम। तुमको कंफ्यूजन समझ रहा है ना, मेरा जेन्युइन है ना कंफ्यूजन, मेरे क्वेश्चन मैथमेटिकली जेन्युइन क्वेश्चन पूछूंगा मैं तुम लोगों को, ठीक है ना। तो सर ने बोला राजा इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, सेम ही है, माइनस 5 को इस साइड लेके आओ। तो मैंने सर को पूछा अहिला सर इस साइड से चीजें इस साइड भी आती है, सर ने बोला हाँ इस साइड से चीजें इस साइड भी आती है ओके। तो मैंने बोला ठीक है, नया लेसन मिला मुझे। फिर आया ये तो फिर भी ठीक था, फिर 2-4 क्वेश्चन आए मैंने उसका आंसर भी दिया। फिर आया माइनस 5x इज इक्वल टू 3, सर ने बुलाया आराम बता x को x का आंसर क्या, बताओ मैंने क्या किया होगा बोलो गेस करो खाली पे लेके गए होगे। मैंने x को अकेला रखा जो मुझे सिखाया गया था, 3 + 5 किया, बताओ मैंने कुछ गलत किया क्या। हाँ किया, क्या बहुत गलत किया, मल्टीप्लिकेशन वो डिवाइड मल्टीप्लिकेशन सालो तुमने कब से मल्टीप्लिकेशन मुझे मल्टीप्लिकेशन कहा है, क्या है मल्टीप्लिकेशन, माइनस 5x है ना। हाँ तो मल्टीप्लिकेशन किधर है, उसमें उसे कहते हैं बीच में मल्टीप्लिकेशन है। अरे क्यों कहते हो, जब तुमको रखना ही है तो रखो ना अच्छे से, माइनस 5 × x हाँ ये छुपा के रखने वाली बात है क्या, ऐसा मेरा अग्रेशन था, सर ने मुझे मारा, मुझे मुझे क्या बोल रहे पता है, राम ते माइनस 5 आणि x च्या मध्ये रिलेशनशिप काय आहे, मी बोलो ह्यांच्या दोघांमध्ये रिलेशनशिप पण असतो तुम समझ रहे हो मेरी बातें, इन दोनों में रिलेशनशिप होता है। मैंने बोला कौन सा रिलेशन, तो मैंने बोला बहुत बार मुझे पूछा क्या है क्या दिख रहा है तुझको, मैंने बोला मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, दोनों के बीच में साइन कौन सा है, मैंने बोला सच में नहीं है। तो सर बोलते जब कुछ नहीं होता तो मानना होता है कि मल्टीप्लिकेशन होता है, मैंने बोला ये क्या फालतू गिरी है। तो उन्होंने बोला कोई नहीं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, उस साइड लेके जा तो क्या होगा। अब उतना मुझे पता था कि उस साइड जाके क्या होगा। अब उन्होंने मैंने क्या किया, मैंने ऐसे लिखा माइनस 5 को उस साइड डिवाइड करके लेके गया और मैंने लिखा वहां पे प्लस 5, बराबर किया बोलो, बराबर किया कि नहीं किया मुझे वो बोलो उर्मिला। आपको मैथ्स किसने बताया, पहले मुझे बताओ उर्मिला ये बराबर है कि गलत है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू बराबर है नहीं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, मुझे उर्मिला को पूछना है ये बराबर है कि गलत है। गलत है। क्यों गलत है, क्यों गलत है जल्दी बोल। रुको तो हंसने तो दो ना भी। नहीं नहीं गलत क्यों पहले वो बता। अरे माइनस 5x है ना तो उसमें ज्यादा डिवाइडेड होता है लेकिन उसका साइन चेंज नहीं होता। अरे सालो 2 मिनट पहले तो तुमने मुझको यही पढ़ाया था ना कि साइन चेंज होता है। अरे तब x और 5 के बीच में माइनस था ना, उनके बीच में रिलेशनशिप नहीं था वो अलग अलग साइड में थे ना। तुम पहले डिसाइड, अभी मेरा ना लॉग आउट होने वाला है तुम पहले डिसाइड कर लो इस साइड से उस साइड जाता है तो साइन चेंज होता है कि नहीं होता। होता है लेकिन जब इनटू होता है तो साइन चेंज नहीं होता है। अच्छा तो तुम हर से हर